क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मुझे जवाब देगा। यस मैम, यस मैम आ रही है, यस मैम आ रही है। कि नहीं आवाज आ रही, इसलिए मैं सेटिंग वगैरह देखनी होती है। ठीक है, और क्या हाल चाल है सबके? ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी है। आज बच्चे भी कम आए हैं क्लास में, छुट्टियों पे हैं लगता है। वैसे ही तुम लोग छुट्टियों पे हो, आप कहाँ पे घूम फिर रहे हो? अच्छा चलो ये बताओ मुझे, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है नी पैथोलॉजी स्टार्ट की थी, हाफ पढ़ा था। हम ये नहीं समझ आ रही कहाँ तक पढ़ा था, कुछ आइडिया है? कितनी स्लाइड्स हमने कंप्लीट की थी? मैम 50 स्लाइड तक पढ़ा था। अच्छा अच्छा कुछ जो पैथोलॉजिस्ट थी वो थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम हमने नी को हमने स्टार्ट किया था, नी की एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ ली हुई थी। नी के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं जो मिलके नी ज्वाइंट बना रही हैं। देन हम लोगों ने ज्वाइंट मतलब कैसे कर रही हैं वो, थ्रू लिगामेंट्स कौन कौन से लिगामेंट्स हैं वो पढ़े थे, जो हैं डिफरेंट लिगामेंट्स जो हैं वो उसको ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, मीडियल लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मेनिस्कस हम लोगों ने कुछ पढ़े थे, क्या मीडियल और लेटर मेनिस्कस उनका क्या होता है, कहाँ पे ये पड़े होते हैं, हाउ दे अपीयर अल्ट्रासाउंड। देन हम लोगों ने टेंडन पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टेंडन जो है, एक जो के लिगामेंट और टेंडन दोनों है वो किसकी कॉन्टिनेशन है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये सारे हमने एनाटॉमी में मसल्स वगैरह भी कुछ हमने पढ़े थे, कौन से हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने पैथोलॉजी शुरू की थी। पहला टेबल था कि हम लोगों के पास जो पेशेंट किसी कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं उसके एसोसिएटेड पोटेंशियल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, वो एक टेबल में मैंने मेंशन कर दिया था कि इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, पोटेंशियल फाइंडिंग्स है। ठीक है, वो कन्फर्म तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर होता है या फिर एमआरआई। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड इज नॉट अ गुड मोडालिटी फॉर मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज, बट कहीं जो है हम लोग इसको अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी इसमें एबनॉर्मेलिटीज जो हैं कुछ ऐसी जो मेजर हम लोगों को मस्कुलोस्केलेटल में होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर इतनी क्लियर नजर नहीं आती। फॉर डैट हम लोग फिर एमआरआई जो है ना उसको करवाते हैं। बट छोटी डिजीजेज या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हम लोगों को जरूरी नहीं है कि एमआरआई ही करवानी पड़े, देन हम फास्ट है, नॉन इन्वेसिव है। और उसके अलावा इसके और भी हम लोगों ने फंक्शंस उस दिन पढ़े थे कि हम क्यों अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं फॉर द मस्कुलोस्केलेटल रीजन। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसकी पैथोलॉजीज में वो कंप्लेंट्स पढ़ी थी और उसके बाद जो मेजर नी के अंदर जो थी एक हमारे पास साइनोवियल पता है हमें फ्लूइड होता है तो फ्यूजन हमने पढ़ा था, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी पढ़ा था, दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वो तीन पॉइंट थे कि एक कंप्रेसिबल है, एक डिस्प्लेसिबल है एंड उसके अंदर जो है तीसरा हमारे पास था कि वो ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर एक में मिलती है डॉपलर अल्ट्रासाउंड अगर हम करते हैं तो एक में ब्लड जो है हमें वेसल्स नजर नहीं आती है। ठीक है, ये तो हमारे कंपैरिजन था बिटवीन द नी इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। देन हम लोगों ने उसके अंदर कुछ सिस्ट्स पढ़ी थी, उनका डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि हाउ दे डिफरेंशिएट ऑन अल्ट्रासाउंड, हम कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन वाज द बेकर सिस्ट एंड द अदर वन वाज द पॉपलीटियल सिस्ट। बेकर सिस्ट कहाँ होती है, बेकर सिस्ट कैसी नजर आती है, पोस्टीरियर साइड पे ही होती है, उसका कैसे बड़ी सिस्ट होती है, एनेक्विक होती है, बट जो मेजर डिफरेंस था वो था कि बेकर सिस्ट की नेक होती है। ठीक है, दैट एक्सटेंड्स। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड क्या था, पॉपलीटियल सिस्ट, उसकी सिस्ट नहीं होती, वो सॉरी नेक नहीं होती है, वो बिल्कुल एनेक्विक एक जिस तरह एक नॉर्मल सिस्ट होती है।
जस्ट लाइक दैट वो पॉपलिटियल फॉसा के अंदर हमें जो है पॉपलिटियल सिस्ट मिलती है. ठीक है, फिर हम लोगों ने मेनिस्कल सिस्ट पढ़ी थी. मेनिस्कस हमारे पास क्या होते हैं, मीडियल और लेटर मेनिस्कस होते हैं, जो कि हमारी जो फीमर बोन है उसको एक अफेक्ट क्या कहते हैं एक सपोर्ट हमारे पास है और उसमें अटैच होते हैं टिबिया के बिल्कुल ऊपर. ठीक है, जिसमें एक वो ग्रूव सा बना होता है और वो मेनिस्कस उसके ऊपर होता है और उसके अंदर आके जो है वो फीमर के कंडाइल्स जो है वो अटैच होते हैं. ठीक, तो इन मेनिस्कस की भी सिस्ट जो है वो बड़ी कॉमन है. क्या होता है कि अब मीडियल साइड पे है और एक लेटरल साइड पे है, तो हमें मीडियल और लेटरल साइड पे एक सिस्ट मिल सकती है. अब अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस हम लोगों ने इनको डिफरेंशिएट करना है कि आया ये पॉपलिटियल सिस्ट है, पॉपलिटियल सिस्ट पॉपलिटियल फॉसा में. हाँ जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही. अच्छा, मैं वैसे रिवाइज कर रही हूँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके. वी जी ठीक है. फिर हम लोगों ने क्या पढ़े थे, जो ये तो मैं अभी रिवाइज ही कर रही हूँ. ठीक, उसके बाद हम लोगों ने दोनों की सिस की जो है वो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, पॉपलिटियल बेकल सिस्ट. फिर मेनिस्कल सिस्ट हमने पढ़ी थी. मैंने बताया था कि मेनिस्कस जो है वो मीडियल और लेटरल साइड पे होते हैं, तो उनकी जो सिस्ट है वो फिर उन्हीं साइड्स पे हमें एनेक्विक से जो है सिस्ट नजर आती है. ठीक है, ये सिस्ट तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने पढ़ा था. उसके अलावा हम लोगों ने मेजर जो एक आर्थराइटिस जो है ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस बड़ा कॉमन नी का है एक डिजीज है. उसमें क्या होता है कि हमारे पास सोनोग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या साइंस मिलते हैं. मैंने आपको बताया था कि जहां पे इंफ्लेमेशन होगी वहां पे ब्लड सप्लाई उसका बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर हम उसके ऊपर डॉपलर स्कैन करते हैं अपना, तो उस डॉपलर स्कैन में हमें हाइपर वैस्कुलैरिटी मिलती है, हमें छोटी छोटी भी वेसल्स नजर आती हैं. फॉर दैट पर्पज हम लोग उसके लिए एडवांस फॉर्म ऑफ डॉपलर, जिसको हम पावर डॉपलर या फिर हम उससे भी एडवांस एक आ गया हुआ है SMI, that is superb microvascular imaging, वो हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है, वो हमें वैसे तो डॉपलर के ऊपर भी बहुत सारी वेसल्स दिखा सकता है, बट इफ वी वॉन्ट टू सी द ब्रांचेज और छोटी छोटी वेसल्स भी हमने देखनी है, देन हम उसके एडवांस उसके मॉडिफाइड फॉर्म उसकी जो मोर सेंसिटिव जो है डॉपलर है वो कौन सा है, पावर डॉपलर है. ठीक है, पावर डॉपलर से आगे और भी उसकी टाइप्स होती हैं, तो हम लोग डॉपलर स्कैनिंग करते हुए हम भी इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो है वो सोनोग्राफिकली हमें एक नंबर वन पे हाइपर वैस्कुलराइज्ड एरिया नजर आएगा, नंबर टू इज द थिकेंड एरिया, वहां पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है. पेशेंट के पास अगर हम उसको फिजिकली देखें तो पेशेंट कंप्लेन किसके साथ आएगा, उसको उस जगह पे स्वेलिंग होगी, उसको वहां पे पेन होगी, वहां पे उसको स्टिफनेस फील हो रही होगी, उसके ये सारे साइंस किसके हैं, आर्थराइटिस के हैं. बट ऑन सोनोग्राफिकल सोनोग्राफिकली इफ वी सी, तो हमें सोनोग्राफिकली क्या साइन मिलते हैं, नंबर वन इज द हाइपर वैस्कुलैरिटी, नंबर टू इज द एरिया इज थिकेंड, जो हमें एरिया हमें विजुलाइज करना है वो एरिया हमें थिकेंड नजर आता है, उसकी वॉल थिकेंड नजर आती है. अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उस एरिया के अराउंड हमें फ्लूइड भी नजर आ सकता है, पैरा जिसे फ्लूइड कहते हैं, जिस तरह और ऑर्गन्स को हमने अपने रीजनल अल्ट्रासाउंड में पढ़ा था कि जिस तरह पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटाइटिस हो गया, तो पेंक्रियाज के अराउंड हमें एक पैरा पेंक्रियाटिक फ्लूइड भी मिलता है. तो ये सारे साइंस एक इन्फ्लेमेशन के होते हैं. जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन एडवांस होती जाती है हमें ये साइंस अल्ट्रासोनोग्राफिकली मिलते हैं. ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या, ये हम पैथोलॉजीज पढ़ रहे हैं और उसका सोनोग्राफिकल अपेयरेंस हमने पढ़ी थी. ठीक है, ये हमने 50 से स्टार्ट करना है. बर्साइटस पढ़ लिया था हमने. अच्छा, हमारे पास हमने बताया था कि बर्सास डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एरिया में अकॉर्डिंग टू देयर नेम, सुप्रा पटेलर, सब पटेलर. ठीक है, वो सारे हमने बर्सास देखे थे. और व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बर्सास, वो एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, दे आर एन इक्विक एंड दे आर लाइक कुशंस एंड दे आर प्रेजेंट बीनीथ दैट स्ट्रक्चर, जो कि हमें एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए अल्लाह ताला ने एक समझ लो कि हमारे पास कुशंस हैं, फ्लूइड फिल कुशंस हैं डिफरेंट एरियाज में, दैट आर नॉर्मल. Don't compare it with any cyst. हमें पता होना चाहिए कि this is bursa, this is present here. अगर उस area का हमें पता है normal, जिस तरह मैं कहती हूँ if you know the normal anatomy you can pick abnormality. ठीक, तो वो areas normal जो है उसमें आपको अगर bursa नजर आ रहा है, कोई fluid नजर आ रहा है, तो that is a bursa not a cyst. ठीक है,
अगर बर्साइटस होता है, बर्साइटस इज इंफ्लेमेशन ऑफ द बर्सास, देन अगेन हमें वही साइन जो इन्फ्लेमेशन के हैं वो बर्सा के अंदर नजर आएंगे. ठीक है, बर्सा इज एनिकोइक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, तो नॉर्मली उसके अंदर कोई हमें ऐसा क्या कहते हैं वेसल्स नजर नहीं आती हैं, उसकी वॉल हमें नॉर्मल नजर आती है, कोई थिकेंड वॉल नहीं होती. बट इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें उसके अंदर ये सारे साइंस जो कि एक इन्फ्लेमेशन के हैं सोनोग्राफिकली वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, व्हाट इज इंथेसिस, ये जो होते हैं ना ये देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द टेंडन और लिगामेंट और बोन के दरमियान. ठीक है, या टेंडन का बोन के दरमियान या लिगामेंट का बोन के सेंटर में हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है दैट इज नोन एज एंथेसिस. ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन मैं आगे दिखाती हूँ. अगर एंथेसिस को देखें तो ये दिस इज एंथेसिस. ठीक है, व्हाट इज एंथेसिस, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर बिटवीन द बोन एंड लिगामेंट और टेंडन. अच्छा, an important aspect to mention is that while no fluid is normally found in the prepatellar bursitis, a small amount in deep intrapatellar bursa is common in the healthy subject. ye hum logon ko sirf bursas ka bata rahe jo main abhi baat kar chuki hu ki normally we should know ke hame bursas kahan present hai aur ek healthy object ek healthy subject matlab ke jo hamara normal structure hai uske andar hame bursas ki locations ko जो है ना उसके साथ हमने सिस्ट के साथ या इन्फ्लेमेशन के साथ कंपेयर नहीं करना, उसको हमने नहीं कहना कि ये जो है ना हमारे पास बरसा था. अच्छा, फ्लूइड इन द इंट्रापेटेलर बरसा, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर कौन सा, ये क्या जा रहा है, ये इसमें लाइंस हैं, वाइट 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 सी लाइंस हैं. मैम मुझे स्लाइड्स नहीं शो हो रही. आपको नहीं शो हो रही है, किसी को भी नहीं शो हो रही मैम? शो हो रही है मैम, शो हो रही. किसको नहीं शो हो रही? शो हो रही है. शो हो रही. कौन बोला था अभी बेटा? फिर आपका एक जिसका प्रॉब्लम है वो फिर आप देख लो, आपका कोई नेट का इशू ना हो उसकी वजह से ना शो हो रहा हो, बाकी वो तो शो हो रहे हैं. अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये ऊपर जो हमें वाइट लाइंस मिल रही हैं ये मैम टेंडन टेंडन है. ठीक है, ये आप वाइट कलर का ये क्या देख रहे हो, यहाँ पे वाइट कलर का क्या होता है विद द पोस्टीरियर शेडोइंग? बोन बोन है, टिबिया टिब्रोस्टी बोन है. ये हमारे पास जो है ना टिबिया बोन है जिसके पीछे आपको जो पोस्टीरियर शेडोइंग नजर आ रही है, दैट मींस वाइट स्ट्रक्चर हैविंग अ पोस्टीरियर शेडोइंग कंफर्म बोन. ठीक है. अच्छा, अब ये जो है हमारे पास इंफ्रापटेला बरसा, मतलब पटेला जो हमें पता है कि किस जगह पे पड़ा होता है, उसके बीनीथ हमें एक फ्लूइड नजर आ रहा है. कुछ स्कैनिंग जो होती है ना अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस है ना मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के, उनको इस तरह आप देख नहीं सकते, आप सारे स्ट्रक्चर आपको एक जैसे ही नजर आएंगे बट आप एरिया को नहीं बता सकते हो कि व्हाट एरिया इज इट. ठीक है, ये आप जब लाइव स्कैनिंग कर रहे होते हो ना तो डोंट वरी कि हमें सारे स्ट्रक्चर एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, ये कौन सा बरसा है, ये कौन सा मीडियल साइड है, कौन सा लेटरल साइड है, ये तो सारे स्ट्रक्चर्स ही एक जैसे नजर आते हैं. ठीक है, बट आपको सिर्फ मेनली पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये है कि जो तीन चार चीजें हमने मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखनी होती है, हाउ दे लुक्स लाइक, टेंडन्स कैसे नजर आते हैं, लिगामेंट्स कैसे नजर आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास बोन्स कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल बोन, उनका जो ऊपर सर्फेस है दिस इज स्मूथ, हमें कोई उसमें ऑस्टियोफाइट्स या उस तरह नजर नहीं आते, दिस इज द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द बोन्स. ठीक है, बोन को वैसे हम लोग एक्सरेस के ऊपर बेहतर हम लोग जो है वो उधर रिपोर्ट करते हैं, उधर देखते हैं. ठीक हो गया. और अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स जो है ना वो सारे एक जैसे, बट ये तीन चार चीजें जो हमें पता है, टेंडन कैसे नजर आते हैं, लिगामेंट कैसे नजर आते हैं, मसल्स कैसे नजर आते हैं, फ्लूइड अगर स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होता है, एनेक्विक, अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो डेब्रीज उसमें नजर आएंगे, उसकी वॉल थिकेंड होगी, उसमें हाइपर वैस्कुलराइजेशन होगी. ठीक है, वो हमें फिर उसके बाद हमें ये पता है कि नॉर्मल जो है ना ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मली यहाँ पे पड़े होते हैं. बरसास इंफ्रापटेलर बरसा होता है, कुछ हमने बरसास पढ़े थे उसके अंदर इंफ्रापटेलर बरसा भी पढ़ा था. अब हमने उस रीजन के ऊपर जहाँ पे हमें पता है कि दिस इज अ पटेला. ठीक है, बोन को हम लोग पता है कि जो स्ट्रक्चर है कुछ को हम पल्पेट कर सकते हैं फिजिकली, हमारी जो प्रोब है जब हम उसके ऊपर रखते हैं तो हमें पता है कि दिस इज अ बोन जिसके पीछे हमें पोस्टीरियर शेडो, उसके नीचे रखते हुए प्रोब हम देख सकते हैं कि देयर इज अ इंफ्रापटेलर बर्सा. ओके, तो जब आप लाइव स्कैनिंग करोगे ना
तो बाकी स्ट्रक्चर्स हमें वो एरिया वो चीज वो उसी वक्त कंफर्म हो जाएगी जब आपको पता है ये चीज ये टेंडन है ये लिगामेंट है ये बोन है ये है, और आपने जिस एरिया जिस जगह प्रोब रखी हुई है आपको एनाटॉमी पता है ना कि इस जगह पे ये एनाटॉमी है तो ये चीज ये दिख रही है तो दैट मींस दिस इज द लिगामेंट अगर ये साइड है तो दिस इज दिस वन क्लियर है तो इस तरह इमेजेस के ऊपर जो है आप इस तरह नहीं बता सकते कि ये कौन सी चीज है हाँ ये है कि अगर मैं आपको कोई तो देती हूँ लेबलिंग के लिए कोई डायग्राम देती हूँ डेट विल बी अ कंफर्म डायग्राम के वो उसमें कोई मतलब ये नहीं होगा कि कुछ ऐसी के मतलब आपको कंफ्यूजन हो ठीक है वो क्लियर होगी कि ये बोन है ये लिगामेंट है ये टेंडन है आप सिर्फ ये लिख दो ना लिखो कि ये मीडियल साइड है लेटरल साइड है बट दिस इज अ टेंडन दिस इज अ बोन दिस इज अ मसल दिस इज अ फ्लूइड ठीक है तो उनके दरमियान दोनों बोन्स के दरमियान अगर कोई ज्वाइंट है तो दिस इज अ मेनिस्कस ठीक है वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने इस तरह मुझे बता सकते हो ठीक है तो सिर्फ इमेजेस दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह का अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है साइड कौन सी है वो आप बाद में देखोगे ठीक है ये हमारे पास इमेज है पार्शियल टीयर ऑफ द पटेलर टेंडन अब इसके अंदर डिसकंटिन्यूशन देख रहे हो आप टेंडन के अंदर अच्छा ये क्या है ये इन्होंने केस दिया हुआ है 37 ईयर ओल्ड फीमेल हु सफर्ड फ्रॉम लिमिटेड रेंज ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द नी एसोसिएटेड विद पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द नी आफ्टर फॉलिंग डाउन विद द फ्लेक्स्ड नी व्हाइल रनिंग अल्ट्रासाउंड शोज पार्शियल टीयर वाइट एरो जो आपको दिखा रहा है दिस इज अ टीयर आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर ब्लैक सी एक लाइन आ गई है पार्शियल टीयर वाइट एरो ऑफ द पटेलर टेंडन ब्लू एरो ठीक है ये जो टेंडन है हमारा ये नजर आ रहा था इसके अंदर आपको ये जो लाइन नजर आ रही है ब्लैक सी जिसने आपको क्या कहते हैं ना जहां पे टीयर हो जाएगा वो एक ब्लैक लाइन नजर आ जाएगी तो दिस इज अ पार्शियल टीयर जो कंप्लीट टीयर होते हैं वो बिल्कुल अलहदा अलहदा कर देते हैं एक साइड ठीक है वो तो दिस इज अ पार्शियल टीयर ऑफ द पटेलर टेंडन ठीक है पटेलर टेंडन कैसे है ये देख रहे हो ये बोन है ठीक है ये ऊपर मसल है सॉरी जो टेंडन है मसल की बोन और इसके आगे जो हमारे पास वो क्या बनता है लिगामेंट बनता है ठीक है तो दिस इज अ पटेलर टेंडन का टीयर अच्छा अब आज जो बोन और कार्टिलेज की अब नॉर्मेलिटीज बोन की तो मैं बता चुकी हूँ दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनकाउंटर्ड डिजीज अमंग जनरल पॉपुलेशन विद द वुमेन प्री डायलेक्शंस ठीक है इसमें क्या है वुमेन जो है मोर प्रोन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के उस पर ज्यादातर फीमेल्स हमारे तो घर में मतलब घर क्या हर घर में ये आपको देखा होगा आपने जो नानियां दादियां या बड़ी एज की 50-60 प्लस की एज में जो भी आपके घर में होंगी उनको घुटनों का प्रॉब्लम तो रहता ही है ठीक है कि हमें जो है ना घुटनों में दर्द रहता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती घुटनों का प्रॉब्लम हर ये जो है ना इस एज में वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है ठीक है इसलिए भी कॉमन है कि जो वुमेन है ना मैं कहती हूँ कि इनको जितना ज्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है ना ये मेल से ज्यादा इनको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है ठीक है तो जो है ना इस तरह विद एज जो है जो वुमेन कैल्शियम नहीं लेती है उनका आहिस्ता आहिस्ता बोन्स जो है ना वो इस तरफ ही जाना शुरू हो जाती है तो मैं कहती हूँ कि मेल से ज्यादा मेल्स को भी जरूरत है उतना ही जितनी फीमेल को जरूरत है बट कैल्शियम जो है ना बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं फीमेल्स तो विद एज जो है ना उनको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं तो दूध मत छोड़ा करो पिया करो सारे कैल्शियम दिया करो अगर उस तरह नहीं ले सकते तो वैसे कैल्शियम दे दिया करो तो हेल्दी बोन्स के लिए अभी हम लोगों को नहीं पता चलता ठीक है ये विद टाइम जैसे जैसे एज हमारी आगे जाती है ना तो हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है चला नहीं जाता हमें जल्दी थक जाते हैं ये सारी चीजें उसके अलावा हमारे माशाल्लाह जो आजकल के बच्चे हैं वो तो ये कोक और ये इन चीजों से तो छोड़ते ही नहीं है ये सारी चीजें तो वो क्या करती है इतनी ज्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी से निकाल देती है कहते हैं कि एक ग्लास जो कोक है ना वो हमारे बॉडी के अंदर से 6 ग्लास कैल्शियम निकालता है एक ग्लास कोक हम इतना कैल्शियम लेते नहीं है जितना वो आपके अंदर से कैल्शियम निकाल देता है ठीक है तो वो या तो फिर अगर पीनी है ना तो 1 ग्लास कोक पियो और उसके बाद 6 ग्लास जो है ना दूध भी पी लेना ताकि वो आपका लेवल हो जाए ठीक है तो इतना हम लोग कैल्शियम लेते नहीं है जितना हम बाहर निकाल रहे हैं तो अभी हम लोगों को इसे इतना पता नहीं चलता जो कि अभी थोड़े अरसे बाद जो थोड़ा आप लोगों की 30s में 40s में जाओगे तो वो जो है ना आपको कंप्लेंट्स प्रॉब्लम आएंगी तो कोशिश करो कि अपने बोन्स को हेल्दी रखो
आर्थराइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंकर्ड डिजीज. ठीक है, आर्थराइटिस के हम लोगों ने साइंस भी पढ़ लिए हैं. द मोस्ट स्पेसिफिक अल्ट्रासोनोग्राफिक साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस आर द ऑस्टियोफाइट्स. ये पहले भी मैंने ये बात की थी कि अगर बोनी प्रोजेक्शंस हमें नजर आती हैं, अगर हमें जो सरफेस है बोन की वो स्मूथ नजर नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स के उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बोन है वो हमारी उसके खुरदरी होना शुरू हो गई है विद टाइम. ये सारा उसके अंदर कैल्शियम निकलना शुरू, स्पाइक्स बनना शुरू हो गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो गए हैं. ऑस्टियोफाइट स्टेप अप बोनी प्रोमिनेंस है, क्या है, एक आउटग्रोथ है. ठीक है, छोटी छोटी सी हमें प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, दीज आर ऑस्टियोफाइट्स जो कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में अलोंग विद अदर साइन जो कि मैंने बताए हैं नजर आती हैं. ये बोन्स के ऊपर इस तरह की मार्जिन नजर आ सकते हैं. ठीक है, इन द नी जॉइंट द प्लेस टू लुक फॉर ऑस्टियोफाइट इज द टिबियोफेमोरल जॉइंट. इस जगह पे हमें ऑस्टियोफाइट ज्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हम लोग अगर प्रोब रखते हैं टिबियोफेमोरल जंक्शन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, उस जॉइंट के ऊपर, तो हमें ऑस्टियोफाइट्स वहां पे उस बोन्स के ऊपर जो है ना वो क्लियर नजर आ सकते हैं. इन एडवांस डिसीज ऑस्टियोफाइट्स कैन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज द जॉइंट स्ट्रक्चर. ठीक है, अब क्या होता है कि एडवांस डिजीजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन क्रॉनिक हो गई है, काफी टाइम हो गया उसको, ऐसा ऐसा वो क्या करना शुरू हो गया, तो वो जॉइंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना उनको और ज्यादा इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा. उसमें मेनिस्कस हैं, लिगामेंट्स हैं, और वो किस तरफ चला जाएगा, दैट विल लीड टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजीज. और वो क्या है, इजीली जो है आपके लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं. ठीक है, मेनिस्कल सिस्ट बन जाएंगे, इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी हुई है कि आप देखते हैं ना कि वो जो है ना इतनी कमजोरी हो जाती है कि आप जरा सा भी कोई क्या कहते हैं कोई चोट भी लगी ना तो वहां पे लिगामेंट्स और इनका रप्चर इतना जल्दी होता है. मैंने ये देखा भी हुआ है कि क्या कहते हैं किसी ने बल्कि मुझे बताया था कि इस तरह हमारी बहुत दादी बहुत बूढ़ी थी, चल भी नहीं सकती थी, उनके इतने ज्यादा प्रॉब्लम था नींद में ये वो, तो इवन उनका थोड़ा सा जरा सा उनका पांव फिसला है थोड़ा सा क्या कहते हैं खड़े खड़े ही थोड़ा यूं करके हुई है तो उनके सारे जो है ना फ्रैक्चर आ गया, उनके लिगामेंट टियर हो गए उनके. ये क्या है, ये इसी वजह से होता है कि जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो सेकेंडरी जो है ना पैथोलॉजीज की तरफ जब वो जाना शुरू हो जाती है विद टाइम तो ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, indications for the ultrasound is in the early stage of the disease mainly for the diagnosis. ठीक है, early indications हमें पता है ultrasonographically क्या है. ठीक है, अब दूसरा आ गया cartilage. cartilage at the knee joint has a thickness of about 3 mm. कितना easy है, तीन चार चीजें जो है हमने normal पढ़ी हैं वो सारी 3 ही है. ठीक है, fluid कितना है 3 mm, thickness कितनी है 3 mm. ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो है ना नी के अंदर normal 3 है. ये तो रट्टा लगाना आसान हो गया. ठीक है, द साइंस ऑफ द ऑडिटरी ट्रेशंस अपीयर्स ऑन अल्ट्रासाउंड एज अ ब्लरिंग, लॉस ऑफ कंटूर एंड मार्जिन इररेगुलरिटीज, जो ऑस्टियोफाइट के मैंने बताए हैं कि बोन्स के अंदर किस तरह नजर आते हैं. यूजुअली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस द कार्टिलेज इज एसिमेट्रिकली थिन बीइंग सिमेट्रिकली अफेक्टेड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर कार्टिलेज भी अफेक्ट होता है. जो कार्टिलेज की थिकनेस है नॉर्मली 3 mm है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगी, थिन हो जाएगी एसिमेट्रिकली. कहीं से वो ज्यादा होगी, कहीं से वो कम होगी, लेकिन वी कैन सी एसिमेट्रिकल थिकनेस इन द कार्टिलेज इन एबनॉर्मल. ठीक है, नी कार्टिलेज इज बेस्ट विजुअलाइज एट द पटेलर लेवल विद हाइपर फ्लेक्स्ड नी. ठीक है, ये पेशेंट की पोजीशनिंग करते हुए हम इस लेवल पे अपना प्रोब रखेंगे तो वी कैन सी नी कार्टिलेज एंड आल्सो फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू अलोंग फेमोरल कंडाइल्स. ठीक है, ये तो विजुअलाइजेशन है उसको कार्टिलेज को देखने की कि कैसे हम लोग पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे एंड कहाँ पे हम अपना प्रोब जो है वो रखेंगे टू विजुअलाइज कार्टिलेज. दिस इज एससीक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, आई थिंक एससीक्यू छोटा सा बन सकता है. हाउ कैन यू विजुअलाइज कार्टिलेज. ठीक है, तो उसके आपने अल्ट्रासाउंड अलोंग विद द पेशेंट पोजीशनिंग एंड प्रोब पोजीशनिंग. ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ पे प्रोब प्लेस करनी है और आपकी पेशेंट की पोजीशनिंग कैसी होगी टू विजुअलाइज कार्टिलेज. उसमें हम क्या करेंगे, हाइपरफ्लेक्स नी करेंगे पेशेंट का और पटेलर लेवल के ऊपर जो है वो प्रोब रखेंगे, या दूसरा है पोस्टीरियर व्यू से भी हम लोग उसको देख सकते हैं अलोंग विद द फेमोरल कंडाइल्स.
मार्क कर लिए, मैं साथ साथ बताती हूँ, मार्क कर लिया करो। अच्छा, एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पटेला विद अ पार्शियल टियर ऑफ द प्रॉक्सिमल सेक्शन ऑफ द पटेलर टेंडन। अब ये एक इमेज है, इसके अंदर भी आपको पटेला के, ये पटेला है बोन जिसके पोस्टीरियर शैडोइंग है, एवल्जन फ्रैक्चर इसमें नजर आ रहा है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर्स पढ़ा था ना, याद है किसी को? अभी मैंने तुम लोगों की असेसमेंट्स लेनी है क्लास में, क्लास पार्टिसिपेशन पूछनी है, मैंने नंबर लगाने हैं और अभी सारा कुछ भूले हुए। बोन फ्रैक्चर्स हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चलो जरा पढ़े मैम। झूठ बोलते, हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, वो तो अगला इस नी के बाद है। तुमने क्या पढ़ा है? मजाक कर रही हूँ। हमने स्टार्टिंग में एक देखी होगी, एक स्लाइड थी सिर्फ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्प्लिट फ्रैक्चर, ठीक है, वर्जन फ्रैक्चर वो सारे पढ़े थे, एक स्लाइड थी, ठीक है। लेकिन हमने एक पूरा लेक्चर भी पढ़ना है इनके ऊपर, फ्रैक्चर्स के ऊपर, ठीक है। देन हम लोग डिटेल में सारे फ्रैक्चर्स देखेंगे कि हमें अल्ट्रासोनोग्राफिकली जो है ना वो फ्रैक्चर्स कैसे नजर आते हैं, स्प्लिट है, ट्विस्ट हो गया है, बिल्कुल कंपाउंड फ्रैक्चर है, डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारी एक इमेज में मैंने आपको दिखाया। अब आ जाओ लिगामेंट्स की एबनॉर्मैलिटी। एक है हमारे पास, हमने क्रूशियट लिगामेंट्स कुछ पढ़े थे, कौन कौन से, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, वो हमारे क्रॉस में होते हैं, ठीक है, एक एंटीरियर साइड पे होगा, एक पोस्टीरियर साइड पे जो लिगामेंट्स है क्रूशियट इसलिए कहते हैं, दे आर लाइक क्रॉस, क्रॉस में होते हैं यूं, ठीक है। तो ACL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द नी स्टेबिलिटी, जो इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट है वो ज्यादा उसका रोल है, इंटीरियर साइड पे है तो पेशेंट को स्टेबल करके रखता है, तो इसके जो है ना वो भी चांसेस ज्यादा है टियर होने के, ठीक है। ACL टियर ऑफन लीड्स टू द नी गिविंग आउट एंड मे रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर। अब क्या है, इंटीरियर साइड पे क्या सपोर्ट कर रहा है कि नी जो है वो आगे की साइड पे ना आए, आगे से उसको सपोर्ट कर रहा है ना, इंटीरियर साइड पे है, तो जब जब इसका टियर हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा नी ज्वाइंट है वो आगे की तरफ को हो जाएगा, मतलब जो उसकी बोन्स है ना वो आगे गिविंग आउट जो पोजीशन क्या उसको कहते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट है वो नी की खत्म हो जाएगी। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या है, पोस्टीरियर साइड पे है, उसका टियर कॉज पेन, स्वेलिंग एंड नी इनस्टेबिलिटी। दीज इंजरीज आर लेस कॉमन देन ACL, ACL इज मोर कॉमन, ठीक है, एंड फिजिकल थेरेपी रादर देन सर्जरी इज यूजुअली द बेस्ट ऑप्शन। ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं सारे, वो जो है इनका ट्रीटमेंट करते हैं ज्यादा, ठीक है, सर्जिकल अगर बहुत ज्यादा सवेर हो जाता है देन सर्जिकली इनको ठीक किया जाता है, अदरवाइज वो विद जो एक्सरसाइजेज ऑफ थेरेपी जो है वो इनको ठीक कर सकते हैं और इनको मिलता है। अच्छा, व्हाट इज दिस, एक इमेज ये मैंने पहले भी दिखाई थी, अब मैं, अच्छा चलो ये बताती हूँ, ये क्या है, कौन सी बोन है, चलो बोन बता दी है मैंने, बोन है दे, फीमर, ये फेमोरल, फीमर, ठीक है, नीचे वाली, टीबिया, टीबिया, ठीक है, अच्छा ये क्या, सेंटर में, मेनिस्कस, पटेला होता तो बिल्कुल वाइट इस तरह का नजर आता है, बोन है ना वो, दिस इज मेनिस्कस बिटवीन टू बोन्स, यहाँ पे ये ऊपर क्या है, मीडियो कोलैटरल लिगामेंट, ये कौन सा लिगामेंट हो गया, मीडियो कोलैटरल लिगामेंट, मीडियो कोलैटरल लिगामेंट, मैं अब आपको साइड तो नहीं बता रही हूँ लेकिन ओके, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, बट दिस इज अ लिगामेंट जो दोनों बोन्स को ज्वाइन कर रहा है ये ऊपर, ठीक हो गया। व्हाट इज दिस लिखा हुआ है, दिस इज अ मीडियल मेनिस्कल सिस्ट, अगर हम उसी साइड पे जिस साइड पे ये देख रहे थे मीडियल साइड पे, अगर इस मीडियल जो हमारे पास मेनिस्कस है इसकी एक सिस्ट बन जाए यहाँ पे बड़ी सी सिस्ट, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे सिस्ट तो ऐसी नजर आएगी ना, अब हमें इसमें ये तो नहीं बता सकते कि क्या चीज है, बस ये कह सकते हैं कि देयर इज अ सिस्ट, ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता किस साइड पे है, किस स्ट्रक्चर से वो निकल रही है, किस स्ट्रक्चर के अंदर है, तो वो तो जब हम लाइव स्कैनिंग कर रहे होंगे तब हमें पता चलेगा कि दिस इज अ मीडियल मेनिस्कस सेल प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, और मेनिस्कस के साथ है, ठीक हो गया।
मेनिस्कस, बोन, बोन और ये हमारे पास मेनिस्कस सिर्फ, ये देख रहे हो मेनिस्कस के ऊपर इस तरह पड़ी हुई है, बिल्कुल एनेक्विक नहीं, के अंदर डेब्रीज, और बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो आपने प्रोब कौन सी यूज की है और कैसे उसको रखा है। मेनिस्कल टियर भी, अच्छा दूसरा हमारे पास एक तो मेनिस्कल आ गई, फ्लूइड आ गया, ठीक है सिस्ट आ गई, दूसरा इसके अंदर टियर भी हो जाता है। जो मेनिस्कल सभी हमें नॉर्मल नजर आ रहा था, अगर उसके अंदर ब्लैक लाइन नजर आएगी दैट विल शो अ टियर ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है। डैमेज टू अ मेनिस्कस द कार्टिलेज दैट कुशंस द नी ऑफन अकर्स विद ट्विस्टिंग द नी, ठीक है। जब हमारा घुटना कभी ट्विस्ट हो जाए ना तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मेनिस्कल टियर हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक ब्लैक लाइन जो है वो दोनों, उसका फंक्शन लिखा हुआ है, कुशनिंग इफेक्ट देती है दोनों बोन्स के दरमियान, ठीक है। तो अगर इसका नी का ट्विस्ट होता है तो इसके अंदर एक ब्लैक लाइन अपियर होती है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, दैट विल शो अ मेनिस्कल टियर। लास्ट इयर्स में कॉज द नी टू लॉक, जिसे नी लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। वो ये इमेजेस दोबारा आ गए हैं। अब ये देखो ऑस्टियोफाइट्स, बोन है, बोन के ऊपर एक ये ऑस्टियोफाइट, फिर एक इररेगुलरिटी सी है बोन की, ठीक है, अजीब सी, मतलब बोन्स नजर आ रही हैं, बोन्स के ऊपर इररेगुलरिटी, इधर भी एक ऑस्टियोफाइट, एक इधर ऑस्टियोफाइट, ठीक है। दीज आर ऑस्टियोफाइट्स, ये देख रहे हो, एक कंटिन्यूएशन नहीं है, ये आ रही है, ये थोड़ी सी बाहर को फीमर, ये यहाँ से आके एक बाहर की तरफ को बोनी प्रोमिनेंस नजर आ रही है, ठीक है। ऑस्टियोफाइट ये देख रहे हो, बोन आ रही है बाहर की तरफ को एक ऑस्टियो, ठीक है, ये दरमियान में मेनिस्कस, क्लियर है। Yes, ma'am. अब आज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मेनिस्कस का हमने पढ़ लिया है, जो लिगामेंट्स हैं जो इस मेनिस्कस के ऊपर, अब आपको एक नजर आ रहा था बैंड सा, वाइट सा, ठीक है, दैट वाज द लिगामेंट। अगर उसका टियर होता है या उसका प्रॉब्लम होता है वो किस तरह का नजर आएगा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट स्ट्रेन और टियर दिस इंजरी में कॉज पेन एंड पॉसिबल इंस्टेबिलिटी ऑफ द, अच्छा इसके ज्यादातर कंप्लेन पेन इंस्टेबिलिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है। फिर हम लोग उसको रूल आउट करेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम है। समटाइम्स कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि वो कह रहा होता है कि मुझे फ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, मुझे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है, वो जो फिर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हमें पता है कि हमने इस साइड को देखना। अगर हमें कोई और चीज नहीं मिल रही तो उसके उसके आपको फिर हम लोग देखते हैं, अगर उसको उस पोजिशनिंग में जो है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम आ रही है फ्लेक्शन करने में, और या वैसे ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वो फिर हम लोग वो चीजें भी साथ में देखते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, हमें फॉरन प्रोब रखते साथ ही नजर आ रहा है कि दिस लिगामेंट इज टियर, ये लिगामेंट, और वो कंप्लेन कर रहा है ये के साथ, तो वो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफिकली उस जगह को, उस एरिया को, नॉर्मल हमने देखी हुई है ना, तो अब नॉर्मल हमें अगर नजर आ रही है तो वो हम उसी को फॉरन से देख सकते हैं। सबलक्जेशन द नी, जो पटेला है, जो नी कैप स्लाइड एबनॉर्मली और डिसलोकेट अलोंग द thigh bone during activity, जो पटेला है वो अपनी पोजिशन से थोड़ा सा इधर उधर जब मूव कर जाता है ना, उसको पटेलर सबलक्जेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बोन जो है ना वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, रिजल्ट्स नी पेन अराउंड द नी कैप। अच्छा पटेलर टेंडन जो होता है, अगर उसका इंफ्लेमेशन हो जाता है ना, टेंडन क्या था, इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच मसल, ईद के बाद आए हो सारे सोए हुए हो, है मैम क्वाड्रिसेप्स मसल, क्वाड्रिसेप्स को एंटीरियर थाई का मसल होता है, हाँ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल का कॉन्टिन्यूशन है पटेलर टेंडन, जो कि अटैच करता है पटेला के साथ, एंड देन पटेला से आगे बोन के साथ अटैच करता है, बनाता है पटेलर लिगामेंट, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो है ना वो है कॉन्टिन्यूशन जो पटेलर टेंडन की है। अगर उस टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन कनेक्टिंग द नी कैप दैट इज पटेला टू द शिन बोन, दिस अकर्स मोस्टली इन एथलीट्स फ्रॉम रिपीटेड जंपिंग, ठीक है, ये उनमें ज्यादातर उसकी इन्फ्लेमेशन होती है बार बार रिपीटेड ए की वो करने की वजह से, ठीक है। जंपर्स नी विद अ थिकेंड पटेला इंसर्शन, आप एक एक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा कोई कर रहा होता है ना, और उसका एक मसल एक टेंडन जो है उस एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई स्पेसिफिक कोई समझ लो कि कोई जिनका जो ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं जिनमें नी का रोल ज्यादा है, जिसमें शोल्डर का, जिस तरह बैडमिंटन हो गया या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज होगी जिसके अंदर हमारा शोल्डर का ज्यादा है, किसी के अंदर नी का ज्यादा है, किसी के अंदर स्पाइन का ज्यादा है,
जो के झुक के जो हॉकी शॉकी खेल रहे होते हैं उनमें झुक के आपकी स्पाइन पूरी पीछे से जो है वो झुकी होती है, उसमें वो बार बार उसी रेपिटेशन उसी मूवमेंट और उसी पोजीशन की वजह से जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं हमारे वही जो स्पेसिफिक मसल्स या हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इंजरीज, फिर उनको थिक एंड फिर वो चीजें जो है ना वो हमें उस एरिया में बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होने की वजह से वो अजीबो गरीब सी बनती जा रही होती है, ठीक है, उनमें पैथोलॉजीज हो जाती है, ठीक, फिर उनके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. व्हाट इज दिस? क्या चीज? डॉक्टर लगाया हुआ हाइपरवैस्कुलराइजेशन हो गई है. फाइंड करोगे तो ये देखो एक बोन है, बोन के पीछे शेडोइंग है, ऊपर से एक स्ट्रक्चर बोन से आ रहा है, यहाँ पटेला पड़ा हुआ है, दैट कुड बी अ टेंडन, ठीक है, वो पटेला और उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके अंदर हाइपरवैस्कुलैरिटी देख रहे हो, ठीक है, तो ये पटेला टेंडन भी हो सकता है ना, ऊपर से बोन के पटेला टेंडन और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, दैट कुड बी पटेला टेंडोनाइटिस. क्लियर? यस मैम. ये एक्सरे इमेज है नी जॉइंट का, ठीक है, पटेलर टेंडन का रप्चर दिखाया है इसमें, ठीक है, इतना क्लियर इस पे नजर नहीं आ रहा. एपोफिसिस पटेला टेंडन इमेज है. एपोफिसिस क्या होता है? एन आउटग्रोथ और द प्रोजेक्शन स्पेशली वन फ्रॉम वन बोन, अ बोनी प्रोसेस और आउटग्रोथ दैट लैक्स एन इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ द ऑसिफिकेशन, ठीक है, वो एपोफिसिस होती है. Osgood's sclerator disease with a cartilage swelling, इसको कहते हैं. Transverse cartilage swelling, कुछ images clear नहीं है, वो मैं इसलिए निकाल रही हूँ, आप लोग को problem होगी, मैं जो clear होते हैं वो मैं समझा देती हूँ, वो बहुत detailing वाले हैं. अच्छा, ये meniscal calcifications है, ये bone की line, ये bone की line, दरमियान में meniscus, meniscus के अंदर white white आप देख रहे हो depositions, ये calcifications है in the meniscus. Clear है ये image? Meniscal calcification. Osteoarthritis. Osteophytes. अच्छा, ये कुछ केसेस हैं, ये आपने खुद रीड करने हैं, कुछ केसेस इसमें मैंने लिख दिए हुए हैं कि ये पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आया था, उसका अल्ट्रासाउंड किया है, ठीक है, तो हमें ये चीज मिली है, तो सात स्ट्रक्चर्स हैं उनके, क्या क्या से, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो आपने इसको रीड ही करना है, ठीक है, और साथ इमेजेस उन्होंने, दिस इज अनदर केस ऑफ इंफ्रापटेलर बर्साइटिस, इसमें पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या शो करेगा, ठीक है, और इसका इमेज, हाउसमेड नी क्या होता है, उसमें क्या पेशेंट के किस कंप्लेंट के साथ आ रहा है, फिर उसका अल्ट्रासोनोग्राफिक अपेयरेंस, और उसके बाद जो है ना ये उसकी इमेज है, ठीक है, वो तीनों जो है केसेस जो है वो आपने बस रीड करने हैं. ये कौन सा इमेज है मैम? ये लॉन्गिट्यूड नहीं, इतना क्लियर है मैं, जिस तरह का नजर आता है इस पे मैम, एक्सरे नहीं मैम, एक्सरे ऐसा थोड़ी होता है मैम, एमआरआई है, एमआरआई है, देखो कितनी डिटेल नजर आ रही है, ये एमआरआई है, और ये कौन सा है? मैंने कहा कौन सा व्यू है ये मैम? इंटीरियर व्यू है. बिलाल हुसैन कौन सा व्यू है? मैंने समझा कि आपने पूछा कि ये कौन बोला. अच्छा, चलो ये भी अच्छा है, कौन सा व्यू है ये? इंटीरियर व्यू है. इंटीरियर व्यू थोड़ी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कौन से व्यूज हमने पढ़े थे ना? ट्रांसवर्स व्यू. नहीं, ट्रांसवर्स ऐसा होता है मैम, कोरोनल है, कोरोनल व्यू है मैम, ये सेजिटल व्यू है. वो मैं एमआरआई का पूछ रही हूँ, दिस वन कोरोनल व्यू, फ्रंट से आप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ सेजिटल व्यू. सेजिटल व्यू होता तो यूं सेंट आप एक साइड से देख रहे होते, उसको यूं कट करते हैं ऊपर से नीचे, दिस वन, ठीक है, तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर को जो डिवाइड कर, द कोरोनल व्यू,
फ्रेंड से देख रहे हैं ठीक है। अच्छा हमने स्प्रे ये देखो ये भी एक MRI का इमेज है MCL टीयर दिखाया हुआ है मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट ठीक है इसके अंदर ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है दैट इज द टीयर अल्ट्रासोनोग्राफिकली इस तरह देखो कितना कितना फर्क है इमेज में और अल्ट्रासाउंड इमेज में ठीक है। तो अगर हमें पता है ज्यादातर तो मैं बता रही हूँ ना बार बार कहती हूँ यहाँ पाकिस्तान में मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है बहुत कम हो रहा है अगर हो रहा है ना तो वो इतनी अच्छी मतलब रिपोर्टिंग नहीं हो रही उसकी इतना क्लियर हम लोगों को नहीं बता सकते अनटिल अनलेस बहुत क्लियर हमें पता हो कि ये डिजीज और वो क्लियर पता चल जाएगी क्लियरली उसके ऊपर ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग MRI करवाई जाती है ठीक है। बर्साइटस वही इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सास नीचे और पेशेंट किन कंप्लेन के साथ पेन स्वेलिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है ऑटोइम्यून कंडीशन है दैट कैन कॉज आर्थराइटिस इन एनी जॉइंट नॉट जस्ट नी उसको सिर्फ नी नहीं करता बाकी भी जो जॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिकॉज इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन इफ अनट्रीटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन कॉज परमानेंट जॉइंट डैमेज। गाउट क्या है गाउट मैं MCQ में बहुत देती होती हूँ अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड ये आपने याद रखना है यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से जो है arthritis या inflammation होती है joints के अंदर that is known as gout ठीक है uric acid crystals की वजह से uric acid किन आपको मुझे चलो मेरी knowledge में भी इजाफा करो uric acid किस में ज्यादा होता है किस क्या खाने से uric acid बढ़ सकता है हर घर का problem दाले वगैरह और गोश्त जो गोश्त ज्यादा खाते हैं बड़ा गोश्त वगैरह दाले खाते हैं हाँ मीट मीट का है और इसके अलावा किसी को पता हो मेरी नॉलेज में भी इजाफा ये चीज खाने से जो है ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है स्पिनच वगैरह से भी होता है इनकी उसके अलावा पल्सेस वगैरह जितनी भी है लेग्यूम्स वगैरह उनसे इंक्रीज होता है मैम कोल्ड ड्रिंक पीने से भी टमाटर खाने से भी होता है कोल्ड ड्रिंक तो क्या कॉज कर सकता है ये बना सकता तो इसलिए नेक्स्ट जो है ना जो बड़ी लोग है ना वो अम्मी बुक करो चीज से अवॉइड करें कि यूरिक एसिड ना पड़े आर्थराइटिस होने के उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं इस भी देर आपको पता है कि ये चीजें हमारी कमजोर हुई होती हैं तो उनको यूरिक एसिड ना उनका बढ़े तो वो चीजें अवॉइड करवानी है। स्यूडो गाउट क्या होता है फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस सिमिलर टू द गाउट बट कॉज्ड बाय द कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स ठीक है अब दोनों का फर्क क्या है वो यूरिक एसिड की वजह से बढ़ता है ये भी आर्थराइटिस की ही फॉर्म है बट ये किसके कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की क्रिस्टल्स की वजह से जो है ना ये आर्थराइटिस कॉज करता है। अब ये किन में होता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये अब आपने सर्च करनी है किन किन चीजों में हो सकता है वो चीजें भी अवॉइड करनी है। अच्छा गाउट हो गया सीडो गाउट हो गया सेप्टिक आर्थराइटिस सेप्टिक सेप्टिक इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेप्टा जब जब जहाँ पे सेप्टिक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस इन्फेक्शन की वजह से जो है आर्थराइटिस कॉज हो सकता है ठीक है वो वही साइंस है इन्फ्लेमेशन पेन स्वेलिंग बट जो वर्ड याद करने वाले व्हाट इज सेप्टिक आर्थराइटिस इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हाट इज स्यूडो गाउट दिस इज जस्ट लाइक गाउट बट उसके अंदर कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट की वजह से उसका बिल्डअप की वजह से आर्थराइटिस होता है एंड देन गाउट व्हाट इज गाउट यूरिक एसिड की ज्यादा होने की वजह से गाउट ठीक है क्लियर हो गए हमने हमने पढ़ ली है कि नींद जितने प्रॉब्लम थे वो कवर फिर हमने और कुछ केसेस हैं वो अभी आपने जनरल लेक्चर एंड होने हो तीनों केसेस जो है वो पढ़ लेने हैं कि वो क्वेश्चंस ही हैं मे बी मैं वो सीधे उठा लूँ ठीक है वही कंप्लेन के कंप्लेन के साथ पेशेंट आया उसको ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही
ये मैम किधर चली गई? डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा सबूर भाई हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सबूर। थैंक यू भाई थैंक यू। सबूरे माता हैप्पी बर्थडे। जमीर भाई आप तो बर्फ में बैठे हुए हो यार, बस क्या करे। अली इधर को भी लेके जाओ ना बर्फ में। नहीं अली इधर खराब हो जाएगा। वैसे सबूर बनता तो आपका, बर्थडे तो आपकी है। अली इधर ज्यादा सर्दी बर्थडे तो मैं बर्फ में चला जाऊं। भाई तुझे सैर करवा रहे हैं ना भाई, आप तो ही बोले। असल असल बात बताऊं, ये लेके नहीं जाते हसनैन, तुझे पता है। चल यार तू प्रोग्राम बना, चले जाते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओ क्या हो गया क्लास में, तुम लोग कौन से प्रोग्राम बना रहे हो? मैं इधर ही हूँ अभी। मैम शामले जाने का, वो डिस्कनेक्ट हो गया था लेक्चर, पता नहीं क्या हुआ, नेट को कुछ इशू हो गया। तो जो है ना लेक्चर कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अगर नेट को कोई बीमारी पड़ गई है। ठीक है जी मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, नेट का बहुत इशू चल रहा है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी क्लियर करे कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा। मैम वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर की मेल की थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्त वजह से, मैम आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। मैम अटेंडेंस नहीं लगाई मैंने, एब्सेंट लगाई होगी ना, आप एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट होगी। वो मैम मैंने आपको मेल की थी, वो मुझे ना थोड़ा जॉइंटस हो गया था, उस वजह से मैं डॉक्टर के पास जा रहा था उस दिन, तो वो नेट नहीं था मेरे पास। वो क्योंकि जो Zoom की क्लास है ना जिसमें जितने बच्चे होते हैं वो तो हमें रिपोर्ट सेंड करनी होती है ना डायरेक्टर को कि ये बच्चे प्रेजेंट है, वो जिस तरह Zoom के अंदर वो कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है तो Zoom पे लेकिन आपने मुझे बता दिया तो डोंट वरी, मतलब वो आपकी अगर एब्सेंट भी लगी है तो मैं आपको कहती होती हूँ कि अटेंडेंस को इतना वो कंसिडर मत करो, आपकी असेसमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर के लेक्चर्स आप लोग ले रहे हो और सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं आपको, हर चीज अवेलेबल yes, है। लेकिन तो कुछ बातें होती हैं क्लास में हम लोग जिस तरह डिस्कस कर लेते होते हैं तो वो तो आप लोग सुना करो और ले लिया करो, बट अटेंडेंस को इतना ज्यादा वो मत लो क्योंकि काफी इश्यूज आ रहे हैं। काफी लोगों की मुझे ईमेल्स आती हैं कि दे आर प्रेजेंट इन द क्लास बट मुझे वो एब्सेंट होती है उनकी। वो ऐसे होता है कि मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि Zoom का जो मेरे पास रिकॉर्ड है मैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब समटाइम मुझे काफी उनकी एक दो की आती हैं कि मिस मैं प्रेजेंट थी बट मैंने उनको चेक किया, मेरे पास वो Zoom पे शो नहीं हो रहे होते, मतलब क्लास में उनका नेम नहीं शो हो रहा होता कि वो प्रेजेंट, नेम भी चेंज होते हैं। ओके ओके मैम मैं समझ गया हूँ, ठीक है वो मसला ठीक है, तो वो फिर आप इस चीजों को देख लिया करो, इसीलिए तो अटेंडेंस के असेसमेंट्स नहीं इस दफा लोगों ने रखी है यही प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी मैम लीव कर दें हम? हाँ जी किसने मैम? हाँ जी पूछो बेटा। मैम 8 मई वाला लेक्चर जो है वो पोर्टल पे अटेंडेंस नहीं है उसकी, जो लास्ट सैटरडे को हुआ। हाँ वो नहीं है मुझे पता है, वो एक्चुअली मैंने घर से क्लास ली थी वो, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, मेरे पास वो है सारी रिकॉर्ड है आपकी, तो मैं यूनिवर्सिटी में पोर्टल खुलता है, घर पे नहीं खुलता था, तो वो मैं आपके अटेंडेंस एक साथ लग जाएंगी, वो डोंट वरी वो अटेंडेंस में देख लूंगी। ठीक है जब भी नी एनाटॉमी वाले लेक्चर में जो मसल्स हैं वो सारी डिटेल याद करनी है या बस मेन मेन? मेन 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 याद कर लो, नेम्स वगैरह याद कर लो, कौन से फ्लेक्चर कौन से हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स हैं, इस तरह नेम मेन मेन। ठीक है ठीक है मैम, यस मैम। इतनी डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें वो, हम फिजियोथेरेपी वाले नहीं है, हमने इमेजिंग करनी है, इमेजेस के पास मसल है ये दिखता है, हमने देखनी है चीज ना, ये मसल है बस, अब जो मुझे ऐसे लगा जैसे आप पहले फिजियोथेरेपी में थे, आपने चेंज कराया है। नहीं मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं डीबीएम में था वो छोड़ दिया।
पैटर्न नहीं, मैंने चेंज करवाया इसी सेमेस्टर में। आप किस में थे? आप फिजियोथेरेपी में थे? मैं पहले मैं फिजियोथेरेपी में था, पांच सेमेस्टर पढ़े उनके साथ ना। अच्छा, तो आप क्या फिजियोथेरेपी पसंद नहीं आई थी? आप बाकी लीव कर सकते हैं अपनी क्लास, ठीक है? नहीं मैडम जी, सारे कहते थे आप मालची हो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। सब डॉक्टर भी तो कहते हैं आपको। नहीं मैडम जी, अभी तक किसी ने नहीं डॉक्टर कहा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग की है पैथोलॉजीज पढ़ ली, अब अल्ट्रासोनोग्राफिकली हम उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड पे कैसे करना है हमने नी का ना। तो नी थोड़ा सा लेंथी है, इसके जो साइड्स हैं वो भी थोड़ी सी लंबी लंबी सी हैं, क्योंकि बाकी आगे जो है ना दो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक शोल्डर बड़ा, एक नी बड़ा, और रिस्ट भी छोटा सा, मतलब बहुत दरमियाना है। ये तीन जो है ना, फिर उसके बाद आगे हमारे एक एक लेक्चर ही है। ये तीन जो बड़े जो है ना वो स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके स्लाइड भी ज्यादा हैं, तो इस वजह से रोटी शोटी खा के आना। ठीक है, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।